अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटे, आज हमने कुछ विजुअल बेसिक के हवाले से नए प्रोग्राम्स को सॉल्व करना है जो कि प्रीवियस पास्ट पेपर्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। विजुअल बेसिक चूंकि थोड़ी सी बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, टफ लगती है, तो उसके सारे जितने भी ओल्ड पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूं। तो आज का प्रोग्राम क्या है जी, राइट आ वीबी प्रोग्राम फॉर 1, 2, 3 पौंड केक्स रेट फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। ठीक है, आपने 1 पौंड, 2 पौंड और 3 पौंड के केक का जो रेट है अगले 4 महीने के लिए फाइंड आउट करना है। फिलहाल उस केक की जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ है, ठीक है, इस मंथ, और हर मंथ जो है 2% इंक्रीज होना है प्राइस में। फिर अगले महीने कितना होगा, फिर सेकंड मंथ, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये आपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। तो आपने उसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म पर कमांड बटन को ड्रॉ करते हुए और कमांड बटन के बैकएंड पे ये वाला कोड लिखना है जो मैं आपको बता रही हूँ, डिम पाउंड एज इंटीजर। ठीक है, जो वेट है आपके केक का वो हम लोगों ने इंटीजर लेना है। ठीक है, 1 पौंड का है, 2 पौंड का है, कितने पौंड का है, ठीक है। और अभी स्टार्टअप पे हमने 200 उसकी प्राइस रख दी है कि जी पाउंड जो है वो आपके पास 200 रुपये का है। ठीक है जी, अगर आपने प्रिंट करवाना है तो ये करवा लें, नहीं भी करवाना तो कोई मसला नहीं। ये जस्ट क्लैरिटी के लिए होता है कि जो आपकी आउटपुट है वो रीडर को काफ़ी क्लियरली पता चलनी चाहिए कि क्या हो रहा है आपके न्यूमेरिकल में, किस तरह से आपने सॉल्व किया है। तो उसकी प्रिंटिंग के लिए है जी, न्यू प्राइस फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। अब लूप 4 महीने के लिए आपने प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो 1 से लेके 4 तक ही आपने यहाँ पर लूप को एग्जीक्यूट किया है। तो आई यहाँ पर बेसिकली शो कर रहा है आपकी पहली आइट्रेशन, ठीक है, यानी कि पहला मंथ। ठीक है, पहले मंथ के अंदर आपने क्या किया है, पाउंड को जरब दे दी है 0.02 से, 2% इज 2/100, दैट इज 0.02। ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो गए, जो भी इंक्रीज आया है वो इंक्रीज्ड वैल्यू जो है वो आपने ओल्ड वैल्यू में ऐड कर दी है। आगे आपने प्रिंटिंग करवा ली है, ठीक है, फर्स्ट मंथ। ठीक है, आई जो है बेसिकली मंथ्स को शो कर रहा है। आगे पाउंड, पाउंड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, पाउंड मल्टीप्लाई बाय 3, सिंगल पाउंड। ठीक है, 2 पाउंड का कितने का हो जाएगा केक और 3 पाउंड का कितने का हो जाएगा पहले महीने में केक। तो इस तरीके से आपने इसको प्रिंटिंग करा के देखा है। आगे फर्दर हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट आई, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई इज इक्वल टू 2 के लिए लूप चलेगी, अगेन इंक्रीज रेट फाइंड आउट करेंगे और फिर वो 1 पौंड, 2 पौंड और 3 पौंड, ये 1 पौंड का तो हमने निकाल लिया ना, 2 और 3 के हिसाब से भी हम प्रिंट कराएंगे। इसी तरह 4 जो है आपके नेक्स्ट 4 मंथ्स उसके लिए ये सारा रेट जो है वो कैलकुलेट हम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर आई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, आपको पता है कि स्टार्टिंग जो रेट है वो 200 है, तो 200 के साथ जब आप 0.02 को मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आता है, तो जो आपका न्यू रेट बनता है दैट इज 204। तो फर्स्ट मंथ में 1 पाउंड का रेट 204 होगा, ठीक है, 2 पाउंड का रेट मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अगला महीना है उसमें इंक्रीज्ड रेट जो है 2% के हिसाब से क्या होंगे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब सेकेंड आइट्रेशन पे 208 से आगे फर्दर चलना है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो है आपका 204 पाउंड उसका सिंगल का रेट था, ठीक है, तो उसमें आपने अगेन 0.02 से मल्टीप्लाई करना है, इंक्रीज रेट जो है इंटीजर की फॉर्म में आना है, तो 0.02 डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, और 208 आपका रेट आ गया 1 पाउंड का, 416 2 पाउंड का और 624 3 पाउंड का। इसी तरह थर्ड और फोर्थ मंथ के लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो ये जी आपका प्रोग्राम सॉल्व हो गया है। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।